गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 9 ले रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन वेरियस फील्ड्स। हमारे पास दो तरह के फील्ड हैं अभी तक जो हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब हमारा मूव कर रहा है तब उसका मोशन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका मोशन कैसा है और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी टेक पार्ट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक क्या आपका, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कोई आपके पास चार्ज है क्यू, तब इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब जो फोर्स लगेगी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इफ चार्ज इज नेगेटिव, तब जो इसके ऊपर फोर्स लगती है इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंसेप्ट को लर्न रखना है आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, लेट दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट, दिस इज योर नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से जो क्या जाती हैं, दूर जाती हैं, दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जहाँ भी आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें मोशन पढ़ना है चार्ज पार्टिकल का, लेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है जो उसका मास है लेट एम, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी मान लो वी नोट से इसमें एंटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाना तो सीधा चाह रहा था, बट जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये प्लेट ने इसको अट्रैक्ट किया, तो इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया अपने रास्ते से, और इसने जो पाथ कवर किया लाइक इसने कुछ ऐसा पाथ लिया, ठीक है, इट टेक दिस पाथ। अब आपको क्या देखना है, इसको जाना कैसा था, इसको ट्रेवल तो सीधा करना था, तो आपको ये डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, दैट हाउ मच दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स, कि ये इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए इसका मोशन को समझने के लिए हम इसका मोशन दो एक्सिस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर एक्स एक्सिस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एंड सेकंड इज योर वाई एक्सिस। अब देखिए क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और अभी मैंने क्या बताया कि जो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो कहाँ होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो हमारे पास जो इस पर फोर्स आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मीन्स दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, तो जो फोर्स आ रही है पार्टिकल के ऊपर दैट इज इन वाई डायरेक्शन, और फोर्स कितनी होती है, एफ इज इक्वल टू, हम क्या लिखते होते हैं, चार्ज इंटू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज ई इंटू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास ई अपॉन एम। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास, जीरो, और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, इनिशियली वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन उसकी कितनी है, वी नॉट, तो अगर हम एक्स एक्सिस में लिखें हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वी नॉट, एक्सेलरेशन कितनी है इसमें, जीरो, और टाइम कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव ऑन में, दैट इज लेट टी, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हम लेट कर लेते हैं एक्स। सिमिलरली वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियली तो वो सीधा जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग, टाइम इधर भी उसको टी लगेगा, बाद में वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, देन टाइम तो दोनों डायरेक्शन में उसको सेम रहेगा,
एक्सेलरेशन इस केस में कितनी है अलोंग वाई एक्सिस, अभी हमने बताया दैट इज ई अपॉन एम, देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हम मान लेते हैं वाई, अप्लाई करिए अलोंग एक्स एक्सिस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दिस इज योर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा एक्स, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, टाइम उसको टी लग रहा है, एक्सेलरेशन कितनी है इस केस में जीरो, तो टाइम कितना आ गया यहाँ से एक्स अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू टी। अब अलोंग वाई एक्सिस अगर इक्वेशन अप्लाई की जाए अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये होल टर्म जीरो बन जाएगी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है इस केस में, एक्सेलरेशन है ई अपॉन एम इंटू टाइम तो सेम है दोनों में, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम निकाला था दैट इज एक्स अपॉन वी नॉट, तो इसका स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वी नॉट स्क्वेयर, सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना आ गया हाफ ई एक्स स्क्वेयर अपॉन एम वी नॉट स्क्वेयर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ वाई डायरेक्शन में, दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आई हाफ ई एक्स स्क्वेयर अपॉन एम वी नॉट स्क्वेयर। मीन्स क्या हुआ अब कि जो हमारी डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, वाई इज इक्वल टू हाफ ई एक्स स्क्वेयर अपॉन एम वी नॉट स्क्वेयर, चार्ज टू दी मास रेशो वाई जो है वो चार्ज टू दी मास रेशो पे डिपेंड कर रही है, चार्ज टू मास रेशो मीन्स अगर हमारे पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और मास जितना वो लाइट वेट का होगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, जितना मीन्स चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगी उतने हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, एंड यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का मास कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास वाई यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया एक्स स्क्वायर के, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इट कवर्स पैराबोलिक पाथ, थैंक यू।